नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक और नई और बेहतरीन वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान रॉयल्स के टारगेटेड प्लेयर्स की, भाई किस खिलाड़ी को जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम टारगेट कर सकती है आईपीएल ऑक्शन 2022 के लिए, माफ कीजिएगा आईपीएल ऑक्शन 2023 के लिए, और किस खिलाड़ी को अपनी टीम में, अपनी स्क्वाड में लाने के लिए दूसरी टीमों से जो है वो बिडिंग वॉर कर सकती हैं। तो ऐसे में जानेंगे हम लोग 5 खिलाड़ियों के नाम। और वीडियो को सबसे पहले शुरुआत में ही लाइक कर दो, और अगर आप राजस्थान रॉयल्स के फ़ैन हो तो आपके लिए तो भाई लाइक करना कंपलसरी है, और चैनल को भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाकी दूसरी टीमों के अगर आप फ़ैन हो तो उनको लेकर रिलेटेड उनकी टारगेटेड प्लेयर्स लिस्ट की वीडियो या तो आ चुकी है या तो फिर आने वाली है। तो अगर आ चुकी है तो जल्दी से जल्दी जाकर देख लो, और नहीं आई है ना तो वेट करो, जल्दी से जल्दी बाकी टीमों की, बची हुई टीमों की भी टारगेटेड प्लेयर्स लिस्ट मैं यहां पर लेकर आने वाला हूं। और चलिए, बातें तो बहुत हो गई, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पहले खिलाड़ी की जिसको राजस्थान रॉयल्स की टीम टारगेट कर सकती है, तो वो हो सकते हैं कैमरून ग्रीन, जो इस आईपीएल ऑक्शन में आ भी रहे हैं और इनकी बड़े चर्चे हो रहे हैं कि भाई कौन सी टीम इनको खरीदेगी, किस टीम में जो है वो कैमरून ग्रीन जाएंगे, और बड़ी बड़ी टीमें, लगभग सभी टीमें जो है वो इन पर टारगेट बनाएंगी और सभी टीमें इनको चाहेंगी। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स भी ज़रूर वो टीम होगी जिनकी जो ज़रूरतें हैं वो कैमरून ग्रीन जैसा खिलाड़ी पूरा कर सकता है। ऑलराउंडर है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करते हैं, मिडल ऑर्डर में भी करते हैं, फिनिशिंग भी करते हैं, और ठीक ठाक जो है वो मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स का जो कोर है उसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन जो है वो ले सकते हैं कैमरून ग्रीन, और आपको राजस्थान रॉयल्स कैमरून ग्रीन के लिए जो है वो बिडिंग वॉर करती हुई नज़र आ सकती है। तो बात करूँ अगर मैं वहीं दूसरे खिलाड़ी की, तो वो हो सकते हैं यहाँ पर जेसन होल्डर, क्योंकि हो सकता है आपको कैमरून ग्रीन ना मिले, तो ऐसे में उनसे थोड़ा सा अच्छे, उनसे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में मैं डालूंगा, कैमरून ग्रीन को हम बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में डालते हैं, तो क्या कहते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम टारगेट कर सकती है यहाँ पर जेसन होल्डर को भी, क्योंकि अच्छे एक्सपीरियंस भी खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं, कैरिबियन है तो कैरिबियन पावर आपको बल्लेबाजी में भी देंगे, साथ ही गेंदबाजी में तो उनके पास वो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वेरिएशंस हैं, एक्सपीरियंस की तो बात ही है। तो ऐसे में अगर आपको कैमरून ग्रीन नहीं मिलते हैं जो कि बहुत बड़े प्राइस पे जा सकते हैं, तो आप जो है ना वो जेसन होल्डर को भी टारगेट कर सकते हो, और अपनी टीम में लाने के लिए जेसन होल्डर के लिए भी जो है वो थोड़ा सा माथा पच्ची कर सकते हो, और इनके भी जो है वो अपने क्या कहते हैं कंसिडरेशन लिस्ट में। तो अगर मैं यहाँ पर तीसरे खिलाड़ी की जिनको वो टारगेट कर सकते हैं, तो वो हो सकते हैं यहाँ पर जिमी नीशम, और ये भी तीसरे ही खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर्स की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ये तीन खिलाड़ी ना मिले, दो खिलाड़ी ना मिले, तो आप जिमी नीशम को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि शायद कम प्राइस में मिले और इससे पहले आपकी ही टीम में थे वो, तो आप एक बार फिर अपनी टीम में लाना चाहोगे जो बजट में आपने उनको पिछले सीजन खरीदा था उससे थोड़ा कम प्राइस में, क्योंकि अच्छे टैलेंटेड जो है वो ये भी क्या कहते हैं ऑलराउंडर हैं, और इनके पास भी वो अबिलिटीज़ हैं बड़ी बड़ी हिट लगाने की, डेथ में फिनिशिंग देने की, और अच्छी खासी जो है वो मीडियम पेस बॉलिंग करने की भी, तो आप इनको भी कंसीडर कर सकते हो। न्यूजीलैंड से ये आते हैं, और आपके जो है वो एक फॉरेन खिलाड़ी के रूप में भी, फॉरेन कोर प्लेयर के रूप में भी ये आपको देख सकते हो आप इनको भी, और जिमी नीशम को जो है वो राजस्थान रॉयल्स के लिए मुझे लगता है कि आपको टारगेट करती हुई नज़र आ सकती है। तो बात करो अब मैं अगर यहाँ पर चौथे खिलाड़ी की, तो वो भी एक ऑलराउंडर ही है भैया, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम को ना ऑलराउंडर बड़े पसंद आते हैं, काफ़ी ऑलराउंडर्स को लेके वो चलती है। ऐसे में एक और ऑलराउंडर जिनको वो खरीद सकती है, हो सकते हैं जिम्बाब्वे के खिलाड़ी जिन्होंने इस समय काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रखा है और फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो काफ़ी जो है वो आपको अच्छा बैलेंस करके देंगे। ऑफ स्पिनर हैं जो कि अलग अलग वेरिएशन से गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाज तो वो भी ताबड़तोड़ हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ जिम्बाब्वे के एस राजा यानी कि सिकंदर राजा की, जो हाल ही में जो है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो इंडिया के खिलाफ सीरीज हो, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हो, या फिर वो रिसेंट में हुआ T20 वर्ल्ड कप हो, तो जिम्बाब्वे का ये खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छा लगातार प्रदर्शन कर रहा है, और राजस्थान रॉयल्स की टीम को टारगेट कर सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी टीमें टारगेट कर सकती हैं, और हो सकता है कि भाई सिकंदर राजा इस आईपीएल ऑक्शन में आपको एक बड़े प्राइस पर बिकते हुए नज़र आ सकते हैं।
तो वहीं अब अगर मैं बात करूँ पांचवें खिलाड़ी की, तो फाइनली अब जाकर एक ऐसा खिलाड़ी आया है जो कि ऑलराउंडर नहीं है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ अब यहाँ पर एक बल्लेबाज की, जो कि हो सकते हैं रासी वांडर डुसेन, जो कि राजस्थान रॉयल्स में ही थे पिछले सीज़न, लेकिन इंजरी की वजह से वो थोड़ा सा नहीं भी खेल पाए। और साथ के साथ ही खैर इंजर्ड नहीं थे, उन्होंने पूरा जो आईपीएल है वो खेला था, माफ़ कीजिएगा इंजर्ड वो जो है वो टी20 वर्ल्ड कप में हुए थे, लेकिन रासी वांडर डुसेन टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक आधा अच्छी पारियां भी खेली है राजस्थान रॉयल्स के लिए। और आप थोड़ा सा कम प्राइस में अच्छा बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा जॉस बटलर का जो है वो बैकअप के रूप में भी इनको तैयार कर सकते हो। बड़े टैलेंटेड है, अगर आप इनके ODI में एवरेज देखोगे तो 60 के पार है लगभग। तो भैया बैट्समैन तो बड़ा ज़बरदस्त है, इनके पास स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप है, रिवर्स स्वीप है, और बड़े ही का अच्छे बल्लेबाज और एक शानदार क्या कहते हैं कि फील्डर भी हैं। तो आप उनको ज़रूर जो है वो अपनी टीम में खरीद सकते हो, कम प्राइस में मिल जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि टीमें इन पर ज़्यादा दिलचस्पी ना दिखाएं, क्योंकि टीमों के पास ऑलरेडी बड़े बड़े काबिलियत वाले अच्छे फॉरन बल्लेबाज हैं। तो आपको बड़े अच्छे प्राइस में एक काफ़ी अच्छा बैकअप भी, टैलेंटेड बल्लेबाज और एक अच्छा फील्डर भी जो है वो आपकी टीम में मिल सकता है। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा दूसरी टीम की टारगेटेड प्लेयर्स के बारे में। और इसकी टीम वीडियो में तो मैंने आपको 5 खिलाड़ी बता ही दिए जिनको राजस्थान रॉयल्स टारगेट कर सकती है, और बाकी जितनी भी टीमों की जो टारगेटेड प्लेयर्स की लिस्ट जो है वो बची हुई है वो भी मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ना जो है वो आप तक ही सबसे पहले पहुँचे, और आप ही आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाओ। और साथ में बाकी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियोज़ लाऊँगा IPL ऑक्शन 2023 से रिलेटेड भी, और IPL से भी रिलेटेड, और कुछ इंडिया की आगे आने वाली सीरीज से रिलेटेड भी। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।